हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको इनलाइफ ब्रांड के मोरिंगा कैप्सूल के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये कैप्सूल आपके बॉडी को, आपके शरीर को किस तरीके से फायदा देता है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे। बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज, इन सब के बारे में। तो गाइस यदि आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को हेल्थी बनाए रखना चाहते हैं, प्राकृतिक डिटॉक्सिफाइंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए अपन बात कर लेते हैं मोरिंगा कैप्सूल के बारे में, जिसकी पैकेजिंग के अंदर गाइस 60 वेजिटेरियन कैप्सूल प्रेजेंट हैं, जो कि 500 एमजी में अवेलेबल हैं। ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, कई प्रकार के न्यूट्रिएंट से भरपूर है मोरिंगा ऑलिफेरा, और गाइस प्राकृतिक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के रूप में काम करता है। स्वास्थ्य के साथ साथ ही ये आपके त्वचा के लाभ को भी बढ़ावा देने में मदद करता है। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल गाइस नहीं है जो आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि आपके शरीर को हेल्थी बनाए रखता है। इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, मोरिंगा, यानी कि इसके अंदर गाइस मोरिंगा प्रेजेंट है। और डोज की बात करें तो डेली आपको एक कैप्सूल लेना है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना, ना ही आपको इसे ओवरडोजेस लेना है। आफ्टर मील है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इस्तेमाल न करें। प्राइस की बात करें तो 60 वेजिटेरियन कैप्सूल गाइस आपको 591 रुपए में मिलेंगे, जिसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे आप इसको वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, तो अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखें गाइस, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने गाइस एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, तो ऑब्वियसली बात है उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा याद रखना है कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। बहुत ही अच्छा है गाइस मोरिंगा कैप्सूल, लेकिन अगर आप पहले से किसी अन्य प्रकार की बीमारी से सफर कर रहे हैं, या फिर आप किसी अन्य प्रकार की दवा या टेबलेट को ले रहे हैं शरीर को हेल्थी बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, तो इसे इस्तेमाल में लेने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।